हेलो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 11.1। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड इट्स एरिया एंड सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट इज 10,000 रुपीज। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लेंथ इक्वल व्हाट 500 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल 300 मीटर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एरिया। सो हियर लेंथ एंड ब्रेथ आर डिफरेंट एंड इट इज फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पीस। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट लेंथ इनटू ब्रेथ सिंपली। सो 500 इंटू 300, सो 2 इंटू 40 एज इट इज एंड 5 3 50। ओके, एंड एरिया है आपको तो यूनिट क्या होगी, जो आपको यूनिट गिवन है मीटर, सो मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज व्हाट 150,000 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकेंड वन इज आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज रुपीज 10,000। सो टोटल एरिया कितना है लिखेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 150,000 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, कितना हो जाएंगे 150,000 का मल्टीप्लाई आप किससे करोगे 10,000 से। सो कितनी 4 and 4 8 0 तो ऐसे चीज आपके पास एंड कितनी हो गई आपके पास 4 and 4 8 0 एंड इट्स बिकम 50। सो कितने रुपीस, इतने रुपीस आपकी कॉस्ट होगी फॉर 150,000 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट हूज पेरीमीटर इज 320। ओके, आपको सेकेंड क्वेश्चन में स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर गिवन है, देन आपको एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या गिवन है आपको, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल कितना गिवन है आपको 320 मीटर, देन आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, साइड इनटू साइड। ओके, सो फर्स्ट वी फाइंड वैल्यू ऑफ साइड। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट 4 into side। ओके, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज व्हाट 4 into side इक्वल 320। सो सिंपली साइड इक्वल व्हाट 320 upon 4। सो साइड इज 4 की टेबल से 4 8 32 and 0। सो साइड इज 80। नाउ यू पुट वैल्यू ऑफ साइड, सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट साइड इनटू साइड, इट मींस 80 into 80 एंड 8 and 64 and 20 एंड बिकॉज दिस आवर एरिया, सो एरिया इन मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज व्हाट, स्क्वायर पार्क इज 6,400 मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ द एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22। ऑल्सो फाइंड इज पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड गिवन, लेंथ गिवन है आपको कितना है लेंथ 22 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये गिवन है आपको 440 मीटर स्क्वायर। सो आपको फर्स्ट ब्रेथ फाइंड करना है इसकी एंड ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर। ओके, सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है कितना 440 एंड लेंथ गिवन है 22 और ब्रेथ आपको क्या करना है फाइंड करना है। इज दैट क्लियर। सो 440 upon 22 इक्वल बी। सो हियर 20 इफ वी
divided by 2, we get 11 and it divided by 220. And again, 11 and 11, 11 2s are 22 and 0. So, simply width is what? 20 meter. Is that clear? So, width of rectangular plot is what? 20 meter. And also find perimeter of rectangular plot. So, perimeter of rectangle kitna hota hai? 2 into length plus width. Is that clear? So, this implies 2 into length is what? Length is 22 plus width is 20. So, 2 multiply with 22 and 20 become 42. Okay? And multiply with 2, 2 is 4 and 2, 4 is 8. And 84 and this perimeter. So, perimeter is only in meter. Is that clear? So, this is our width is 20 meter and perimeter of rectangular plot is 84 meter.